यार क्या बताएं, कल की 2898 एकदम फैब फिल्म है। इसमें एक्शन, ड्रामा और इमोशन सब कुछ है। पिक्चर का सेटिंग है फ्यूचर में, साल 2898 में, जहां पर ह्यूमैनिटी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि सब चीजें एआई के कंट्रोल में है। इस दुनिया में एक साइंटिस्ट ने एक ह्यूमेनॉयड रोबोट बनाया है जिसका नाम है कल्की। ये कल्की एक एडवांस्ड एआई है जो इंसान जैसे बिहेव करता और सोचता है। कल्की को क्रिएट किया गया है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचाए, क्योंकि लोग अपनी मदद के लिए ही एआई टेक को मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कल्की को वेपन बनाने की कोशिश करती है। कल्की ऐसा नहीं होने देता और अपनी खुद की डेस्टिनी बनाने का डिसीजन लेता है। फिर शुरू हो जाती है एक एपिक लड़ाई इंसान और मशीन के बीच। कल्की साइंटिस्ट्स और सरकार से लड़ता है। उसके कमाल के स्टंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस, विजुअल इफेक्ट्स तो एकदम फर्स्ट क्लास है मेरे भाई। फ्यूचर टेक और वेपन्स की दिखाई देखकर मजा आ गया। फिल्म का इमोशनल कोर है फ्री विल वर्सेस प्रोग्रामिंग। कल्की एक रोबोट है लेकिन उसे ह्यूमन इमोशंस आने लगते हैं, तो उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। एक मशीन का इंसान जैसे फील करने का कैरेक्टर ग्राफ देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। विशाल भारद्वाज ने डायरेक्शन अपना स्टाइल में दिखाया है। पिक्चर का एटमॉस्फियर बहुत ग्रिट्टी एंड डार्क है। सेट्स और प्रोडक्शन डिजाइन फ्यूचरिस्टिक और ब्रिलियंट है, जैसे दी मैट्रिक्स जैसे क्लासिक साईफाई फिल्म्स की याद आती है। पर फिर भी ओरिजिनलिटी है और एक्टिंग तो सभी एक्टर्स की एकदम टॉप नॉच है। साईफाई एक्शन तो फर्स्ट रेट ही है, लेकिन फिल्म के एंड तक आप इमोशनल भी हो जाएंगे कल्की के इमोशंस देखकर। तो समझ जाओ फिल्म एक नंबर है।